मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अरे मेरा भाषण कहाँ है? रेडी है ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल रेडी है, ये लीजिए। अरे मेरी जय तो बुला। हाँ हाँ, बोलो नेता गोवर्धन दास की जय। बोलो नेता गोवर्धन दास की जय। सरस सरस, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको इसलिए मिलने आया हूँ ताकि चुनाव नजदीक आ रहे। नहीं नहीं, ताकि मैं आपको मिलकर आपकी समस्या दूर कर सकूं। लेकिन नेताजी, ये सारी समस्याएं पैदा कौन करता है? आप जैसे नेता और अफसर लोग। नेताजी, अगर हमारी समस्या दिखाई देती है तो ये हमारे मोहल्ले की सड़कें देखो, ये सारी गंदगी देखो। साहब साहब, उस दिन टीवी पे आपको देखा मैंने, हाथ में झाड़ू पकड़कर कैसे सफाई कर रहे थे। यहाँ हमारी कॉलोनी भी साफ कर दो ना साहब। अरे उस दिन तो टीवी चैनल वाले, कैमरा वाले सब साथ में थे, इसीलिए देखो अभी नेताजी झाड़ू हाथ में उठा नहीं सकते। बहनों सुनो, हो जाएगा, ये पूरी कॉलोनी साफ हो जाएगी। साहब साहब, देखो ना कितनी ठंड लग रही है, ऐसे टूटे फूटे झोपड़े में बीबी बच्चों को ऐसी हालत में कैसे रख सकते हैं साहब? सुनो, हमने गली गली में कचरों के ढग लगा दिए हैं, उसे जलाकर अपनी ठंडी भगा सकते हो। तालियां, वाह क्या बात है, तालियां। और साहब, हमारे यहाँ सप्ताह में दो ही बार नल में पानी आता है, बताओ साहब हम क्या करें? अरे यहाँ कल शाम को तो बारिश हुई थी, और कितना पानी चाहिए आपको? और ज्यादा पानी चाहिए तो बारिश आपकी कॉलोनी में गिराने का प्रयत्न हम अवश्य करेंगे, आपसे वादा करते हैं। वाह क्या बात है, तालियां। और साहब, कहा जाता है कि गरीब लोग दाल रोटी खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन आज की इस महंगाई में दाल भी हमारे नसीब में नहीं है। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, समझता हूँ, मुझे पता है प्याज टमाटर जैसी सब्जियों के भाव और दाल का भाव 150 रुपए किलो। सर, ये भाषण की स्पीच 7 दिन पहले की है, अभी तो दाल के भाव 200 रुपए किलो हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने हमारी पार्टी को वोट देकर जिता दिया तो फिर आपकी सारी परेशानी खत्म। और हाँ, हमारी पार्टी का निशान जरूर याद रखिएगा, चंपल यानी जूता। क्या याद रखे साहब, पैरों में पहनने के लिए तो ठीक, लेकिन आप जैसे नेता पर फेंकने के लिए भी हमारे पास जूते नहीं है। अरे ये कौन है जो हमारे सामने बदतमीजी करता है, किसी विरोध पक्ष का लगता है, बाहर निकालो इसे। अरे नेताजी आप शांत हो जाइए, मैं निपटता हूँ। ए भाई तू इधर आ, क्या करता है तू? देखो नेता लोगों पे जूते फेंकना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और रहेगा, तू टेंशन मत ले, जाके बैठ जा। ठीक है भाई और बहनों, तो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। फिर कब नेताजी? 5 साल के बाद? चलिए नेताजी, छोड़िए इन्हें, चलो जल्दी गाड़ियां निकालो, अभी तो हमें नेहरू नगर में भी भाषण देने जाना है, चलो। देखो भाइयों, छोड़ो इन्हें, हमारी समस्या हमें ही दूर करनी है, ये स्वार्थी और भ्रष्टाचारी नेताओं के भरोसे हमें थोड़ी ही बैठना है। हाँ हाँ सही है, चलो अपना कल्याण खुद करो। ए पुलिस मास्टर, चलिए आपको तो हमारे आगे रहना है। नेताजी की जय। नेताजी की जय। नेताजी की जय। ए चिंटू, ये क्या उछल कूद लगा रखी है तुमने, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। अरे चिंटू देख तो सही, मेरा वीडियो डाउनलोड हुआ या नहीं? अरे बका, अभी हो गया, समझ, ये 3G नहीं 4G है, 4G समझा? अरे चिंटू, ये क्या 3G और 4G लगा रखा है, अभी तेरे बापू जी आएंगे ना तो ये 3 और 4 निकल जाएगा और तू खाली जी जी करता रह जाएगा। मम्मी
तुम हमें डिस्टर्ब मत करो ना, हमें आज स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करना है। हाँ हाँ ठीक है, मुंह बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, भूख लगे तो बोलना, नाश्ता भिजवा दूंगी। ओके मोम, थैंक यू। अरे क्या करता है, मुझे दे, मैं करके देता हूँ। अरे हो गया, देख बहू बहू, ए बहू, अरे कहाँ रख दिए, अभी तो यहीं थे। क्या है माँ जी, क्यों बुलाया मुझे? अरे बहू, जरा मेरा चश्मा तो देना, मेरा चश्मा नहीं मिल रहे, जरा लाके दो ना। जरा क्यों, पूरा ही रख लो, लेकिन तुम्हारे चश्मा रखे हैं कहाँ? यही तो, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, कब से ढूंढ रही हूँ। माँ जी मिल जाएंगे आपके चश्मा, वैसे आपको अभी चश्मा पहन कर क्या करना है, देखो यहीं कहीं पड़े होंगे। एक काम करो, तुम स्वीटी को बोलो मुझे बहुत काम है। देखो देखो ये मेरी बहू, हे भगवान, स्वीटी स्वीटी बेटा इधर तो आ, स्वीटी। क्या है दादी? मैं अभी फोन पे हूँ, 5-10 मिनट में आती हूँ। हे भगवान, ये बच्चे भी, ये लड़की फोन पे चिपकी रहती है और वो लड़का पूरा दिन टीवी मोबाइल ना बाइक में लगा रहता है, और इनके माँ बाप को लगता है हमारे दोनों बच्चे कितने ही होशियार है, होनार है। हे भगवान। चिंटू बेटा, ओ चिंटू बेटा, अरे चिंटू तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दादी हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। वो कौन से प्राणी का नाम है? अरे दादी ये देखो, ये गूगल है, इसमें सर्च करने से यानी जो भी ढूंढो वो इसमें मिल जाता है। ऐसा है क्या? तो देख देख तुम्हारे ये गुलगुल में कि मेरा चश्मा कहाँ रखा है। दादी तुम भी क्या, ऐसा नहीं होता है, इसमें अगर तुम्हें नए चश्मे खरीदने हो तो वो मिल जाएंगे। और हाँ दादी, तुम्हारे पास कोई पुरानी चीज हो तो इसमें बेच भी सकते हैं, ऐसा है कुछ आपके पास कोई पुराना? नहीं बेटा, तुम्हारे दादाजी थे लेकिन वे भी चले गए हैं। बेटा इसमें तुम्हारे दादाजी मिल सकते हैं? क्या दादी तुम भी? मैं तो मजाक कर रही थी। ठीक है ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा गुलगुल। गुलगुल? अरे छोड़ना यार दादी को, ये हो गया ना। हाँ हो गया, चल मैं भी निकलता हूँ, काफी देर हो गई है। ओके बाय। ए गुलगुल हो गया सब? हाँ दादी हो गया। ए गुलगुल ध्यान से जाना। हाँ दादी। दादी दादी लो ये रहे तुम्हारे चश्मे, मेरे कमरे में पड़े थे। ठीक है बेटा ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त तैयार होके कहाँ जा रही हो? ओह दादी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में। तो फिर अभी जा रही हो तो वापस कब आओगी? देखो दादी हमारी पार्टी टाइम पे शुरू तो होती है, लेकिन ख़त्म कब होती है ये नहीं कह सकते। आ जाऊंगी, डोंट वरी। लेकिन बेटा आजकल ज़माना कितना ख़राब है, अकेली लड़की इतनी रात को बाहर। अरे दादी आप चिंता मत करो, नेता गोर्धन दास की बेटी हूँ, पूरा शहर मुझे जानता है। क्या है माँ जी, क्यों टोकती है आप इसे? जाने दो उसे, ऐसी पार्टियों में जाना तो हमारी शान है। जा बेटा, हाँ तू जा। ओके मॉम, वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। हाँ बाबा मैं निकल रही हूँ, अभी पहुँचती हूँ। बाय मॉम, बाय दादी। देख बहू
जवान बच्चों को इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। ठीक है बहू, हमें अपने बच्चों पर भरोसा है, लेकिन ये जमाना खराब है, इसका क्या? देखो माँ जी, आप अपने पुराने ख्यालों को तो रहने दो, मेरे बच्चों की तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप लोग आ गए, पूरा दिन भाग दौड़, थक गए होंगे। बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ मालती, आज तो बहुत थक गए हैं, ऊपर से ये इलेक्शन का टेंशन, अब तो प्रजा भी हमें भाव नहीं दे रही है। भाव नहीं देगी बेटा, तुम्हारी सरकार ने सभी चीजों के भाव जो बढ़ा दिए हैं तो। माँ तुम भी क्या, तुम्हारी तो सारी जरूरतें पूरी होती है ना, आपको कोई तकलीफ नहीं है ना? लेकिन बेटा, ये जो आम प्रजा है उसकी हालत का, उसकी तकलीफ का क्या? अरे दादी छोड़ो ना ये सब बातें। अच्छा ये तो बताओ, मेरे भांजे चिंटू और स्वीटी कहाँ है? अरे स्वीटी तो अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में गई है, और चिंटू अंदर स्टडी रूम में अपनी स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा है। क्या दीदी, जब पूछो तब यही कहती हो कि चिंटू प्रोजेक्ट बना रहा है, और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है क्या? अरे भैया, हमारा चिंटू तो स्टडी रूम से बाहर ही नहीं आता, तीन तीन चार चार घंटे बस पढ़ाई ही पढ़ाई करता है, खाना खाने भी जबरदस्ती बुलाना पड़ता है। पढ़ाई? अरे वो तो गुलगुल खोलकर ही बैठा रहता है, टीवी में दोस्तों के साथ चीटिंग करता रहता है। चीटिंग नहीं दादी, चटिंग, चटिंग। हाँ सही पकड़े, वही वही। नहीं नहीं, वो पढ़ाई भी तो करता है। देख गोर्धन, अपने बच्चों पर थोड़ी नजर रखा कर। माँ जी फीसें चालू हो गई, आप एक काम कीजिए, अपने कमरे में जाइए, जाकर रामायण पढ़िए, जाइए। लेकिन बेटा मुझे डर है कहीं। माँ बस भी कीजिए, जाइए आप जाइए। ठीक है जाती हूँ। अच्छा ये तो बताओ, आज का तुम्हारा दौरा कैसा रहा, चुनाव प्रचार कैसा रहा? प्रचार तो अच्छा चल रहा है, इस बार तो तुम्हारा भाई यानी मेरे साले साहब भी इलेक्शन तक साथ में ही है। लेकिन जीजा जी, चुनाव परिणाम के अगले ही दिन मैं चला जाऊंगा, इस बार तो मुझे भी जीत का भरोसा नहीं है। नमस्ते नेताजी, कैसे हो? पहली बार मैं आपको घर में देख रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते, लेकिन ये महाशय कौन? अरे ये तो अपने चिंटू के सर है, चिंटू को पढ़ाने आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सर चिंटू अंदर है, पढ़ाई कर रहा है, आप जाइए। आप दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मेरी भांजी स्वीटी अभी तक नहीं आई, चलो मैं फोन लगाता हूँ। अरे ये क्या, फोन स्विच ऑफ? अरे भैया पार्टी में गई है, देर तो होगी ही ना, फोन बंद हो गया होगा, पहली बार थोड़ी गई है, आ जाएगी, आप खाना खा लो। चलो चलो खाना तो खा ले, चुनाव प्रचार में भूख का भी पता नहीं चलता। लेकिन जो जनता भूखी है उसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा नेताजी, प्रजा के तेवर बदल गए हैं, उनकी भलाई के बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। चंपकलाल पहले अपनी भलाई के बारे में सोचो, चुनाव जीते तो ठीक, हार गए तो क्या करेंगे ये सोचो। इतने सालों में हमने प्रजा के लिए कुछ किया होता तो। अरे छोड़ो ना यार, कोई टेंशन नहीं, कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हर बार जीते तो आ रहे हैं, तो फिर। अरे मास्टर जी हो गई पढ़ाई पूरी? हाँ हाँ हो गई, अब मैं निकलता ही हूँ, लेकिन नेताजी काफी दिनों से आपसे एक बात कहनी थी। अरे मास्टर जी एक क्या, 10 बातें कहो, आपकी फीस बढ़ानी है बोलो। नहीं नहीं नेताजी, ये तो आपके बेटे चिंटू की बात है, पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता, बढ़ती उम्र के साथ उसका ध्यान भी भटक गया है। देखो आप बड़े लोग हो, अगर आपका बेटा नहीं पढ़ेगा तो भी भविष्य में उसे कोई तकलीफ नहीं पड़ने वाली, आप जो इतने बड़े नेता ठहरे। सही बताए मास्टर जी,
ये मेरे जीजा जी, मेरा मतलब कि नेताजी, सातवीं फेल है सातवीं, फिर भी मंत्री बन गए ना, उनका बेटा भी ऐसे ही बन जाएगा। वैसे भी आजकल मंत्री बनने के लिए पढ़ाई या डिग्री की कहाँ जरूरत है, सही है ना? चंपकलाल आप शांत रहेंगे? हाँ बोलिए मास्टर जी। मैं कह रहा था कि इतनी सारी सुख सुविधाओं में बच्चे बिगड़ जाते, मैंने काफी अमीरों के बच्चे देखे, महंगी गाड़ियां, बाइक, महंगा मोबाइल, नेट, इंटरनेट, ढेर सारी पॉकेट मनी, बिगड़ने के लिए और क्या चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बच्चों में सारी बुरी आदतें और वो भी बड़ी जल्दी से समय से पहले आ जाती है। लेकिन सर हमारा चिंटू तो स्टडी रूम में बैठकर पढ़ता भी है, वो तो पढ़ाई करता रहता है। मैडम ये हमारी गलतफहमी है, वो स्टडी रूम में इंटरनेट पर सिर्फ अश्लील और भद्दे कार्यक्रम ही देखता रहता है, मुझे तो इसकी भनक कई दिनों से है। देखो पढ़ाई में भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चों में विकृति आ जाती है और इसी वजह से आजकल के बच्चों में मानसिक विकृति बढ़ती ही जाती है और इसका शिकार केवल खुद ही नहीं समाज भी होता है। देखिए मास्टर जी आपकी बात हम समझते हैं, लेकिन आज का ये मॉडर्न जमाना क्या है, थोड़ा फास्ट है? नहीं बहुत ज्यादा फास्ट है, आजकल के बच्चे गाड़ियां चलाते हैं फास्ट और खाते भी है फास्ट फूड। ये सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अमीर परिवार के बच्चों में बिगाड़ पैदा करने के सारे साधन सरलता से मौजूद हैं, जो चाहे उसे तुरंत मिल जाता है, फिर बच्चे तो बिगड़ेंगे ना। भैया हमारे दोनों बच्चे ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। क्या ऐसे नहीं है? एक जो लड़का है वो टीवी, मोबाइल और गाड़ियां घुमाने से ऊंचा नहीं आता, और घर की लड़की अभी भी दोस्तों के साथ घर के बाहर रहती है। माँ जी आपको फिर से मौका मिल गया। हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी ज्यादा छूट, हमारी दी गई स्वतंत्रता बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जाती है। ओके ओके ठीक, हम समझाएंगे अपने बच्चों को। माफ करना नेताजी, लेकिन अरे कोई बात नहीं, ठीक है तो मैं चलता हूं। हाँ हाँ मास्टर जी धन्यवाद। अरे चिंटू इतना तैयार होके कहाँ निकला? मामा दोस्तों के साथ पिक्चर देखने। ओके मम्मी पापा मैं निकलता हूँ और लेट नाइट आऊंगा। ये देखो आजकल के बच्चे, मम्मी पापा यहाँ पे है फिर भी बाहर जाने के लिए आज्ञा नहीं लेने की, सीधा अपना निर्णय सुना देने का। और बेटा अपनी बड़ी वाली कार लेकर जाना। ओके ओके मॉम। अरे इसके शिक्षक अभी तुझे क्या बता के गए, अपने बेटे को तू थोड़ा तो समझा। हाँ हाँ देख चिंटू अभी अभी तेरे सर ने हमें बहुत कुछ सुनाया, आवारा गर्दी थोड़ी कम करो, पढ़ाई में ध्यान दो। पापा शांति शांति, मुझे अभी देर हो रही है मैं निकलता हूँ, बाय मॉम बाय मामा। देखो रात में भी घर के दोनों जवान बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो। हाँ हाँ लेकिन उसके पापा भी कुछ बोलते नहीं तो मैं क्या करूँ, मेरी तो मानते भी नहीं है। दीदी मानते क्यों नहीं, मनवाना पड़ेगा, आजकल के बच्चों को इतना सिर पे बिठाना ठीक नहीं है। छोड़ो छोड़ो ये सब, खाना ठंडा हो रहा है, पहले जल्दी खाना खा लो। दो घंटे के बाद दादी ड्राइंग रूम में चक्कर काट रही है और पुलिस स्वीटी को लेकर घर आ रही है। ये तुम्हारी बेटी है? पुलिस? हाँ हाँ क्या हुआ इसे, क्या हुआ इसे? हे भगवान बेटा सुनो तो, मालती जल्दी आओ। दादी क्या चिल्लाती हैं? आई एम ऑल राइट, लुक आई एम ऑल राइट। क्या हुआ ये पुलिस यहाँ पर, क्या हुआ मेरी बेटी को? स्वीटी तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? डोंट वरी मॉम कुछ नहीं, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो फिर ये क्या तमाशा बनाया है? पुलिस मास्टर क्या है ये सब? इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है? नेताजी पार्टी के नाम पर सब युवक युवतियां जोर शोर से नाचगान कर रहे थे,
शराबादी का नशा कर रहे थे। अमेरों के साहबजादे ऐसी पार्टियों के बहाने क्या करते हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने वहां पर रेड डाली तो वहां आपकी बेटी भी मिली, वो भी इस हालत में। फिर आपके नाम का पता चला तो हम इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, सीधा आपके पास घर ले आए। बहुत अच्छा किया आपने, आपका धन्यवाद। इसे अंदर ले जाओ। मैं कहती थी ना, बच्चों को संभालो, बच्चों को संभालो। अब देखो माँ जी, प्लीज आप शांत रहे, ये देखकर हमें भी खुशी नहीं हो रही है। ओके ओके पुलिस साहब, थैंक यू। और हाँ, ये बात हमारे बीच में रहे, समझ गए चंपकलाल? हाँ हाँ, पकड़ो पकड़ो यार, चलो निकलो यहाँ से। सुनो, इस बात की किसी को भी भनक ना लगे। समझ गए साहब, टेंशन नहीं, हम सब संभाल लेंगे, चलते हैं साहब। माँ ठीक ही कहती है, अब से हमें दोनों बच्चों पर कंट्रोल रखना ही होगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, ये तो आपकी बेटी थी इसलिए मामला सिमट गया। किसी और की बेटी होती तो समाज में कितनी बेइज्जती होती, सोचो। ये सब आपको भी सोचना है। हेलो, कौन? मैं साहब पुलिस इंस्पेक्टर कुरुवेला थाने से। हाँ, लेकिन क्या हुआ? देखो मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। अरे आपकी बेटी ने नहीं, बेटे ने किया है। क्या हुआ, क्या किया मेरे बेटे ने? अपनी मर्सिडीज कार से उसने दो राहदारियों को उड़ा दिया है, उसे हम सीधा पुलिस स्टेशन लाए हैं। क्या कहा, कैसे हुआ? अरे किसका फोन है, क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? अरे तुम चुप रहो ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। नेताजी, उन दोनों राहदारियों को चोट तो बहुत लगी है, पर शुक्र करो कि जान बच गई है। ये तो लड़के ने आपका नाम दिया इसलिए सीधा आपको फोन किया, अभी हम इसे लेकर आपके पास ही आ रहे हैं। ठीक है, आइए। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? तुम्हारे नवाबजादे ने कार का एक्सीडेंट कर दिया है, दो लोगों को उड़ा दिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अपने चिंटू को तो कुछ नहीं हुआ है ना, बताओ ना। अरे तुम शांति रखो ना, उसे कुछ नहीं हुआ है, पुलिस अभी उसे लेकर यहाँ आ रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सही हो रहा है दादी, सही हो रहा है, तभी हमारी आंखें खुलेगी। ये सब हमारी ही गलती है, ज्यादा लाड़ प्यार में हमने खुद ही अपने बच्चों को बिगाड़ा है, हमारी लापरवाही का ही ये परिणाम है। 5 मिनट बाद। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए पधारिए। नेताजी देख रहे हो ना आप, कितने बड़े नेता हो गए हो कि हमारे घर पुलिस वालों का आना जाना लगा ही रहता है। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। नमस्कार नेताजी, ये रहा आपका लड़का, ये तो अच्छा हुआ कि जिसे टक्कर लगी, वो बेचारे दोनों सामान्य मजदूर थे इसलिए हमने सब संभाल लिया। बाकी तो आप समाचारों में देखते हैं ना कि हीट एंड रन वाले कितने अमीरों के नबीरे आज जेल की हवा खा रहे। लेकिन नेताजी, आपके लड़के की उम्र अभी 16 साल की है और आपने इसे इतनी बड़ी कार चालान दे दी। अरे वो तो काफी बार ले जाता है, मुझे क्या पता कि ये ऐसा होगा। अब पता चला ना जीजाजी, सॉरी नेताजी। पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था कि। चुप, बिल्कुल चुप। आज के बाद कार तो क्या, बाइक भी नहीं चलानी है, अब चलानी है तो साइकिल चला। बेटा, मैं इसीलिए तुम्हें और बहू को कहा करती थी कि बच्चों पर नजर रखो। माँ आप बिल्कुल सही है, आपकी बातों को हम नजरअंदाज करते रहे हैं। माँ जी हमें भी माफ कर दे, आपकी बात बिल्कुल सही थी, आधुनिकता के दिखावे में हम बह गए थे। चलिए साहब, संभालो अपने बेटे को, आपका बेटा था इसलिए बच गया, वरना। ठीक है हम चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और हाँ, ये अखबारों में नहीं आना चाहिए, इस बात को यही दबा देना। ओके नेताजी, चिंता ना करें, आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है हम चलते हैं। नेताजी महसूस कीजिए कि हम अपने ही बनाए हुए न्याय तंत्र को हम ही भ्रष्ट कर रहे हैं, फिर दूसरों से तो क्या उम्मीद करनी।
चंपकलाल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे न्याय तंत्र को सगावाद लांच रुश्वत से हमें मुक्त करना ही होगा। हमारा पद, हमारा धन, हमारा रुतबा हमारे बच्चों को संघर्षमय और सच्चा जीवन देने में रुकावट न बने, उसका ध्यान भी हमें ही रखना है। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार तो देते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारे बच्चे किसी गलत दहलीज पर पैर ना रखे, यह सभी माता पिता की जिम्मेदारी है। जी हाँ, और हम नेताओं को प्रजा के लिए एक आदर्श बनना चाहिए, प्रजा के हित में हमारे कदम होने चाहिए। मैं गलत था, ये मैं स्वीकार करता हूँ। अब चुनाव जीते या न जीते, आज के बाद मैं हमेशा प्रजा के साथ हूँ। तो नेताजी, मैं भी आपके साथ हूँ।